चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद समेत सभी आरोपी शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने इन सभी लोगों से 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सभी लोग डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में पेश हुए थे। रांची में घरों से निकलने वाले प्लास्टिक से सड़क बनकर तैयार हो चुका है। ये सड़क न सिर्फ मजबूत है बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक है। रांची के धुरवा में बनी इस सड़क में प्लास्टिक ग्लास, बोतल, कैरी बैग का इस्तेमाल किया गया है। रघुवर सरकार अब इस पर विचार कर रही है कि अगर ये सड़क टिकाऊ साबित होती है तो शहर के कई सड़क इसी तर्ज पर बनाई जाएंगी। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर की रहने वाली एक मेडिकल स्टूडेंट ने केरल के कोची में एक होटल में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतिका की पहचान ममता राय के रूप में हुई है। होटल के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिस पर लिखा है, सॉरी पापा, मैं लड़ते लड़ते थक गई हूँ। धनबाद के कतरास बोकारो मुख्य मार्ग के किनारे बनी बिलबेरा बस्ती में अचानक जोरदार आवाज के साथ गोल्फ बन गया। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार ये कोयला खदान में लगी आग का असर है। दुमका में सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इस साल सरस्वती पूजा 22 जनवरी को होने वाली है, जिसके चलते मूर्तिकारों को कम धूप होने की वजह से मूर्तियों को सुखाने में काफी समय लग रहा है। लेकिन अब समय कम होने की वजह से मूर्तिकार दिन रात मेहनत करके मूर्तियों की रंगाई और साज सज्जा करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।